वेलकम टू क्राफ्ट की दुनिया। कैसे हैं मेरे नन्हे सितारे, चमक रहे हैं ना? और मैं उनके लिए लाई हूँ ये सुंदर सी आइसक्रीम स्टिक से बनी राखियाँ। ये छोटे बच्चे भी बना सकते हैं और बड़े तो अपना डिज़ाइन दिखा सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए आइसक्रीम स्पून स्टिक्स, लॉन्ग स्टिक नहीं चाहिए, हम इसे स्पून स्टिक से बनाएंगे और लकड़ी के ही होने चाहिए क्योंकि लकड़ी विल नॉट हार्म आर मदर अर्थ। हमें अपनी धरती के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और इसलिए हमारी सभी राखियाँ बायोडिग्रेडेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना एक राखी। राखी बनाने के लिए हमें चाहिए एक स्टोन, दो सर्कल्स हमने कट कर लिए हैं, ये थिक पेपर के कटे हुए हैं, और आइसक्रीम स्टिक्स, कलर्स, मैं फैब्रिक कलर यूज़ कर रही हूँ। इसमें एक गोल्डन है, रॉयल ब्लू और येलो कलर है। अब हम सीखेंगे कि हमें इन्हें काटना कैसे है। ये स्टिक स्पून वाली हैं और इनको इस तरह से हम एक तरफ से कट करेंगे, फिर हमें इसे उल्टा करके ऐसे करेंगे तो ये पॉइंटेड हो जाएगा। इसी तरह से हम सारी स्टिक्स को कट कर लेंगे। आप सबसे अनुरोध है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको मैं ये बता दूं कि जब हम ये आइसक्रीम स्टिक ख़रीदने जाएं, ये स्पून स्टिक, तो हम चेक कर लें कि ये फाइन क्वालिटी की हैं, क्योंकि ये टेढ़ी मेढ़ी भी निकल जाती हैं, जैसे ये एक ख़राब निकली है। ठीक है, तो आपको ख़रीदते वक्त ये ध्यान देना होगा कि हम ठीक से ख़रीदें। अब हम इन्हें पेंट कर लेते हैं। पेंट कर लेने के बाद हम इन्हें पेस्ट करेंगे। बहुत ही आसान पेंटिंग करेंगे जिससे हमें बनाने में कोई दिक्कत ना आए।
अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं फेविकोल कौन सा यूज़ करती हूँ। जनरली मैं कुछ भी पेस्ट करने के लिए तो फेविकोल MR यूज़ करती हूँ, परंतु ये बॉटल जब खाली हो जाती है तो मैं फेविकोल SH भर लेती हूँ। SH फेविकोल थिक होता है और स्ट्रॉन्गली पेस्ट करता है। ये जनरली लकड़ी का सामान वुडवर्क में यूज़ होता है, फर्नीचर वगैरह बनाने में SH यूज़ होता है। यही फेविकोल मैं अपने क्राफ्ट में यूज़ करती हूँ। तो ये मेरी टिप थी आज के वीडियो की। बाय, थैंक यू।